मुंबई की कुछ खास जगहों में ये भी एक टूरिस्ट प्लेस ही है गाइस। तो वो है बैंड गैलेक्सी अपार्टमेंट, और आगे अब मैं जैसे जैसे चलूँगा आपको मन्नत भी दिखाऊँगा, शाहरुख खान का घर भी, क्योंकि ये भी अब टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है। सब शाहरुख खान के फ़ैन हो ना? हाँ, ये सब शाहरुख खान के फ़ैन हैं। आप देख सकते हो कितने फ़ैन हैं वहाँ पर। वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आया हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन पर, जिसका आप सभी को इंतज़ार होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं हूँ अभी क्वीन ऑफ सबर्ब्स भी बोला जाता है, एक्चुअली इसका नाम है बैंड स्टैंड। और बैंड स्टैंड बहुत पॉपुलर है तो आप सभी जानते होंगे ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे शाहरुख खान का घर है, यहाँ पे सलमान खान का घर है, और गैलेक्सी अपार्टमेंट तो मैंने आपको दिखाया ही है, पीछे ही है। और बाकी खूबसूरत है, मैं अभी आपको पीछे से ये पूरा व्यू दिखाता हूँ बैंड स्टैंड का, और देख सकते हो आप। सो गाइस, और जस्ट मेरे पीछे जो भी बिल्डिंग है वो सलमान खान का घर ही है, यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट ही है। जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर सलमान खान के हैं। तो बाहर अभी मतलब जब वो मूड में होते हैं तो बाहर निकलते हैं, लेकिन गैलेक्सी अपार्टमेंट ये है। इसकी स्टार्ट बैंड स्टैंड की स्टार्टिंग पे ही गैलेक्सी अपार्टमेंट है, तो आप कभी आओ तो आप कभी मिस मत कर देना। वो फर्स्ट हाउस, वो जो बिल्डिंग है वाइट कलर की, वो बिल्डिंग गाइस, तो वो है बैंड गैलेक्सी अपार्टमेंट। और आगे अब मैं जैसे जैसे चलूँगा आपको मन्नत भी दिखाऊँगा, शाहरुख खान का घर भी। तो बैंड स्टैंड की एक खासियत है गाइस, और जैसा मैंने आपको बताया कि इसको क्वीन ऑफ सबर्ब भी बोला जाता है, क्वीन ऑफ सबर्ब, तो क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है, और एक नेकलेस जैसा बनता है रात को जब यहाँ पे लाइट्स वगैरह जल जाती हैं, तो वो क्वींस नेकलेस की जैसा ये बनता है। तो वो जब ये ऊपर से देखते हैं, ईगल व्यू देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी के नेक पे एक नेकलेस डाल रखा है, तो इसलिए शायद उसको क्वीन ऑफ सबर्ब भी बोलते हैं। तो बट एनीवेज, आज मैं आया था बैंड स्टैंड और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो गाइस, ये यहाँ का कुछ नज़ारे हैं। और हेलो, सो बहुत ही खूबसूरत है, इवनिंग के टाइम आओ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रैंप बना रखा है यहाँ पे बैठने का, जैसे आपको मैंने दिखाया चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं, और पीसफुल है और बीचेस के कंपैरेटिव। ये एक स्टोन्स और उससे रैंप बना रखी है, तो आपको मतलब धूल मिट्टी गंदगी की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ बैठे बैठे आप बीच को एंजॉय कर सकते हो। और ऑब्वियसली हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के घर यहाँ पर हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि उनको सी व्यू मिलता है। ये था बैंड स्टैंड, और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुंबई की जो बेस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसके अंदर बैंड स्टैंड को हम भूल नहीं सकते, जुहू के बाद में बैंड स्टैंड और उसके बाद में आगे मरीन ड्राइव। तो मैं कवर करता आ रहा हूँ, और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे खेलने कूदने के लिए जो शाम के समय अगर इवनिंग में बच्चों के साथ आते हैं तो एक अच्छा प्ले का वो बना रखा है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो नर्सरी टाइप लाइक बोर नहीं हो बच्चे अगर आते हैं तो। जिम विम भी कर सकते हो आप, ओपन जिम भी है, जिम पीछे सी है और आगे यहाँ के जिम भी कर सकते हो, तो अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो मॉर्निंग में अगर आप अर्ली मॉर्निंग पे आते हो तो। बैंड स्टैंड पे मैंने कहा ना, हर बीच पे कुछ एक नई चीज़ है, तो बैंड स्टैंड पे ये सब चीज़ें हैं। एक तो सॉलिड रैंप है, और दूसरा आप बच्चों के साथ आओ कभी तो झूले वगैरह जो आप इंजॉय कर सकते हो, और पीसफुल है, और टाइम स्पेंड करने के लिए इवनिंग के अंदर आई वुड सजेस्ट कि बेस्ट प्लेस है। बैठने की भी अच्छी सुविधाएं हैं, और यहाँ से दूर से आप बैठ के सनसेट को एंजॉय कर सकते हो। तो बैंड स्टैंड वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो,
क्योंकि मेरे को यहाँ पे आके पीस मिलती है, एक शांति मिलती है। तो जब भी मैं आता हूँ बैंक स्टैंड पे पीसफुल लगता है मुझे। तो आप लोग भी बताना कैसा लगा आपको। और मुंबई की कुछ ख़ास जगहों में ये भी एक टूरिस्ट प्लेस ही है। सो यू कैन सी दैट पीछे लोग और प्रपोज़ल भी कर रहे हैं, कपल्स आते हैं, मैरिड कपल्स आते हैं, फैमिली के साथ भी लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे तो लाइव प्रपोज़ल ही चल रहा है। तो अगर आपको देख पा रहे हो तो यहाँ पे लोग बाहर आते एक दूसरे को प्रपोज़ भी करते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। यहाँ पे ये प्लेस काफ़ी प्रपोज़ल्स के लिए भी पॉपुलर है। कपल्स जो हैं वो एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार बैंड स्टैंड पे आके ही करते हैं, और काफ़ियों ने किया है। ये भी एक इसकी लव मिस्ट्री है, लव हिस्ट्री है ऐसे कह लो, कि बैंड स्टैंड पे कपल्स आते हैं मोस्टली। और अगर उनमें से किसी को अपने एक दूसरे को प्रपोज करना होता है तो बैंड स्टैंड पे ही करते हैं। वो वहाँ पे भी लोग बाग नीचे उतर के चट्टानों पे बैठ जाते हैं, तो थोड़ा नीचे भी इंजॉय कर सकते हो उतर के। मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे बैठने का है, प्रॉपर बैठने की अरेंजमेंट है, बट ज़्यादा आगे डीप तक नहीं जाने देते। बट ये है कि हाँ हल्का फुल्का कुछ मिल जाता है तो आप बीच बैठ के इंजॉय करना चाहते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको बैंड स्टैंड ज़रूर बताना कमेंट करके। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एडवेंचरस वीडियो और लेके आता रहूँ, ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। तो बैंड स्टैंड को काफ़ी मॉडिफाइड कर दिया है पहले से, और ये कोई एयरफोर्स का एक विमान है जिसकी स्टैचू है यहाँ पे। तो बैंड स्टैंड के उसी पे एकदम, ये तो ओरिजिनल को ही लगा रखा है, ओरिजिनल ही है गाइस ये, जिसको यहाँ पे मॉन्यूमेंट के रूप में लगा रखा है। तो बैंड स्टैंड पे आया तो आप ज़रूर देखना एक बार, आपको अच्छा लगेगा। आगे हम चल रहे हैं इन द सर्च ऑफ सम ब्यूटीफुल सीनरीज। खूबसूरती आप देख सकते हो, मैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं लग रही, इतना शानदार बना रखा है बैंड स्टैंड को, और इतना खूबसूरत ग्रीन प्लांट्स। आप शाम का हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हम पार्क में विजिट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कर दी है। तो ये कुछ नज़ारे हैं, मैंग्रोव्स का ट्री है, मतलब नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, और नेचर के साथ साथ ये थोड़ा इन्होंने अर्बनाइज तरीके से खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए रैंप्स बना दिए हैं, फुटपाथ टाइप का बना दिया है, जहाँ लोग आके बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं अभी इसी बैंड स्टैंड बहुत लंबा है, तो मैं उस पर बस सीधा सीधा चल रहा हूँ, आपको दिखाता जा रहा हूँ खूबसूरती। और आपको कैसा लगा आप बताना गाइस, आपकी कमेंट्स मैटर करती हैं। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं बैंड स्टैंड से भी दिखती हैं, और क्वीन ऑफ सबर बोलते हैं इसको। तो ये एक छोटा सा रैंप है इसको चढ़ के लिए, यहाँ से भी एक अच्छा व्यू दिखता है। तो बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो, चिल करने के लिए अच्छी प्लेस है। कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह या स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं तो एक साथ बैठ सकते हैं, और सामने सी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी प्लेसेस बैंड स्टैंड पे इन्होंने किस किस तरीके से डेवलप कर रखी हैं बताया मैंने आपको, कि अगर स्कूल कॉलेज से कोई आते हैं तो एक साथ खूब सारे बच्चों को पीछे बैठा के कुछ एक छोटी मोटी कॉन्फ्रेंसिंग टाइप की भी हो सकती है, और कोई छोटा मोटा स्टेज भी है एक तरीके से, कोई शो कर सकते हो छोटा मोटा। तो काफ़ी कुछ है जो कि बैंड स्टैंड पे डेवलप हो गया। केवल एक ये बीच एरिया ही नहीं रह गया है, या ऐसा समझो कि भाई कोई घूमने के स्पॉट के लिए
ही नहीं, इसको और भी तरीके से जो वो जो प्लेस थी वो तो प्रॉपर आप कोई छोटा मोटा शो कर सकते हो, डांस शो वगैरह, और ऑडियंस बैठ सकती है उनके लिए, उनके हिसाब से बनाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे वो भी। और ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। आप खड़े होकर आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हो। थोड़े आर्ट इफेक्ट टाइप का दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत। बताना आपको कैसा लग रहा है, पीछे आप मेरा पूरा व्यू देख सकते हो, खूबसूरत बैंड स्टैंड को। इवनिंग के टाइम पे कुछ ऐसे चना जोट वगैरह, कुछ हल्का फुल्का आपको चाट वगैरह खाना हो, भेल वगैरह, सूखा भेल, सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो अच्छा चिल आउट एनवायरनमेंट रहता है, बच्चे फैमिली सभी आते हैं इंजॉय करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो, और वो ऊंची बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत है, तो मुंबई की खास बात है। तो वो देखिए, ये बैंड स्टैंड तो एक अलग से दिखती है, ये बाइक वाली ऊंची बिल्डिंग है अकॉर्डिंग टू, जो कि बैंड स्टैंड पे है। वैसे बैंड्रा में और भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। तो ये है कुछ बीच व्यू, ओवरऑल बैंड स्टैंड है, खूबसूरत जगह है। जैसे मैंने आपको और बीचेस जो हैं उनसे अलग है, डेफिनेटली अलग है, क्योंकि ये रॉक्सी बीच है, रॉक्स हैं और प्रॉपर स्टोन से बना, मतलब इसका जो रैंप वगैरह भी है, सैंड है ही नहीं, टोटल रॉक्सी बीच है। और फुल तो आपको कोई मिट्टी और गंदगी होने का कोई चांस ही नहीं है, सुविधा बैठने की और बीच बहुत रेगुलेटेड काइंड ऑफ बीच है। तो अच्छा लगा, और तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं मन्नत के पास। तो ये है गाइस, मैंने पिछली बार जो आपको बिल्डिंग दिखाई थी वो नहीं, ये जो ब्लू कलर की कोकोनट ट्रीज के पीछे से दिख रही है ना, ये है मन्नत। तो अभी मैं आपको इसी के पास जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। और SRK के बंगले के बाहर तो हमेशा भीड़ रहती है ऑलमोस्ट, तो अभी भी थोड़ी बहुत भीड़ है, लोग वहाँ फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बैंड स्टैंड है, यहाँ से जस्ट अपोजिट में मन्नत है। तो मैं मन्नत की तरफ से जाता हूँ। वो सामने मरना थे, काफी लोग आते हैं फोटो खिंचाते हैं, और शाहरुख खान के बंगले के सामने है। तो ये है गाइस, ये मरना थे देख सकते हैं, दो बार फोटो खिंचाते हैं हम इसे। और क्योंकि ये भी अब टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है, तो उस हिसाब से बाकी घर इतना बड़ा है, ये पीछे तक है घर, ऊपर चेयर्स वगैरह लगे हुए ऊपर तक पूरा। यहाँ से आपने कई बार वीडियोस में फोटो, ये सब शाहरुख खान के फैन हो ना? हाँ, ये सब शाहरुख खान के फैन। तो आप देख सकते हो कितने फैन हैं, वहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई है। शाहरुख खान के डायलॉग भी मारो ना तो कुछ तो भी। कोई बात नहीं। एक मिनट भाई, गाइस ये हैं नावेद, और नावेद एक कॉमेडियन है, तो इनका चैनल है क्या, नावेद
नावेद कॉमेडी केजीएन, उधर से बोलूंगे नावेद कॉमेडी केजीएन। हाँ, तो नावेद कॉमेडी केजीएन केजीएन को आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये भी शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है, ये शाहरुख खान के घर के बाहर ही हमको मिले। तो गाइस, मैं तो अभी बैंड स्टैंड पे कुछ चना जोर गरम चाट का एंजॉय कर रहा हूँ। और कभी आप बीच बीच का आए ना, तो ऐसा कुछ चटपटा चाट खाने का बहुत मन करता है, तो चना जोर गरम मेरा फेवरेट है और बैंड स्टैंड पे मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा था, आप भी आए तो ज़रूर खाना। तो गाइज, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करने जा रहा हूँ। तो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस और लेके आता रहूँ। और गाइज, बने रहिए मेरे मुंबई ब्लॉग पे, आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइज, बाय बाय।